5 दिनों से यहाँ धरने पे बैठे हैं, हमारी मांगे सुनी नहीं जा रही है, ठीक है, लेकिन हम मंत्री जी के विधानसभा क्षेत्र से जिला फलौदी जहाँ से मंत्री जी विधानसभा सदस्य बन के आए हैं, तो हमें पूरी उम्मीद है कि मंत्री जी हमारी मांगों को सुनेंगे। जिस प्रकार आज रामलला आज़ाद हुए हमें बड़ी खुशी है, उसी प्रकार हमें ये नियुक्ति मिल जाए तो हम भी इन गुलामी की बेड़ियों से तथा अल्प वेतन के जो बेड़ियां हैं उनसे हम मुक्त होंगे। मैं पूर्ण विश्वास और आशा के साथ कह सकता हूं कि मंत्री जी का जो स्वभाव है बहुत ही सीधा और अच्छा स्वभाव है, तो हमारी मांगे जरूर सुनेंगे तथा रामलला की तरह आज हमें भी गुलामी की बेड़ियों से और संविदा की बेड़ियों से मुक्त करेंगे, ये हमारी आशा नहीं, हमें पूर्ण विश्वास है। सबका साथ सबका विकास, जय श्री राम। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो राजस्थान में पैरामेडिकल की 8 भर्तियाँ निकली है, इन भर्तियों में 7 की प्रोविजनल लिस्ट निकल चुकी है, 1 की बाकी है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, जो कि एक मिडिल क्लास, हम भी एक मिडिल क्लास है, माननीय मुख्यमंत्री जी वे मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं, तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मतलब मांग करता हूँ कि आप आज जैसे आपने 500 साल की जो रामलला की जो मूर्ति आज विराजमान की है, तो मैं भारतीय जनता पार्टी के सब शीर्ष नेतृत्व एवं माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय चिकित्सा मंत्री जी से विशेष अनुरोध कर रहा हूँ कि आप जिन्होंने आपने 500 साल की गुलामियों को बेल के रामराज की आज राम की मूर्ति स्थापित किया, उसी प्रकार आप हम सबको नियुक्ति का तोहफा देकर हर घर में दिवाली मनाने का मौका दे, मैं यही मांग कर रहा हूँ। और मैं कहना चाहता हूँ कि आप मध्यम वर्गीय परिवार होते हैं, आप मध्यम वर्गीय परिवार की नहीं सुन रहे, क्या आपको पता है मध्यम वर्गीय परिवार में नौकरी का कितना अहमियत होती है? इस नौकरी के कारण ही हम मध्यम वर्गीय परिवार हमारे घर में दिवाली मनेगी। आपको पता है 5 दिन से लोग यहाँ बैठे हुए हैं, वो उनके घर कोई दिवाली दिया, सब यहाँ बैठे हैं, कौन दिया जलाएगा? तो मैं माननीय मुख्यमंत्री, माननीय चिकित्सा मंत्री एवं भाजपा के शीर्ष नेतृत्व, जो कि हमने वादा किया था लोगों से कि हम अगर सत्ता में आएंगे तो हम आपका कार्य करेंगे, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय चिकित्सा मंत्री जी हमारी बात को नहीं मान रहे हैं। मैं माननीय चिकित्सा मंत्री जी से पर्सनल अनुरोध कर रहा हूँ कि आप भारतीय जनता पार्टी का जो रामराज की बात कर रही है, उस पार्टी आज राम जो राम कह रहे हैं कि हम सबका भला करना चाहते हैं, आप इन महिला, इन पुरुष, हम मतलब सब युवा वर्ग की आप नहीं सुन रहे, तो मैं विशेष अनुरोध कर रहा हूँ कि आप हमें नियुक्ति का तोहफा देकर सबके घर में दिवाली मनाने दें, जय श्री राम। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद लगातार कवरेज के लिए। अक्टूबर मंथ में भी हमारा धरना था और उस समय वही मुद्दा था, उस सरकार ने कोई सोल्यूशन नहीं निकाल पाया था, और आज लगातार 18 तारीख से 5वां दिन है, अभी ये संयुक्त धरना है सभी कैडर्स का, 8 कैडर्स की जो भर्ती अभी अपनी प्रक्रियाधीन है, जिसमें फार्मासिस्ट का मुद्दा वहीं अटका हुआ है कि अभी प्रोविजनल लिस्ट भी नहीं आई है। तो आज इस 5 दिन के बाद में आज का जो दिन है खास, मैं आपने हमारे कई साथियों से बाइट भी लिए, सबने अपने अपने विचार रख दिए, समस्या को बताया, लेकिन मैं ये कहूँगा आज जो दिन है इतना खास दिन है कि श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा है भगवान की, तो ये कहीं ना कहीं जाके बीजेपी सरकार के ही सकारात्मक प्रयासों से आज 500 साल बाद ये दिन आया है कि श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। तो आज 2011 से कार्यरत 2024 आ गया, 14 साल से जो वनवास भगवान श्री राम को था वैसा ही वनवास हम लोगों ने काटा है, तो क्या बीजेपी सरकार अपना सकारात्मक रवैया रखते हुए क्या हम लोगों के साथ न्याय नहीं करेगी? आज का दिन खुशी का है, चारों तरफ उत्साह है और उल्लास है, सब लोग देख रहे हैं, हम लोग भी उस चीज़ को सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो आज के दिन मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय भजन लाल जी को, माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय गजेंद्र सिंह जी को और माननीय राजेंद्र सिंह राठौर साहब को बधाई दूंगा पहले तो इस प्राण प्रतिष्ठा की, कि आज बीजेपी सरकार की बदौलत ये दिन देखने को मिला है, और साथ ही उम्मीद करते हैं कि ये जो धरना है ना ये जल्दी जल्दी समाप्त हो, हम लोगों की मांगें मानी जाएँ। आज के लिए इतना ही कहना है, बाकी कल हमारी स्ट्रेंथ बढ़ेगी और ये धरने को हम आगे बढ़ाएंगे। हम कभी नहीं चाहेंगे कि सरकार बिल्कुल ना देखते हुए इस धरने को आमरण अनशन में तब्दील होते हुए देखे, तो आपके माध्यम से हमेशा हमारी यही मांग रही है कि सरकार के सामने इस बात को रखें कि हम बिल्कुल सरकार का बहुत बड़ा आज के दिन के लिए बहुत बड़ा मतलब आभारी है कि ये दिन देखने को मिला है, और कल के लिए हमको भी खुशी मिले, यही कहना चाहूँगा आज। तो चिकित्सा विभाग भर्तियों को लेकर के जो सिपो के बाहर धरना दिया जा रहा है उसका आज 5वां दिन है, और 5वें दिन में आज भगवान श्री राम की जो अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा है उसी को लेकर के हमने भी यहाँ पर एक प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम रखा है, जिसको लेकर के लगभग 1 या 2 बजे के लगभग पंडित जी को बुलाया गया है, हवन का कार्यक्रम है, उसके बाद हमारी कलश यात्रा यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर दूर हनुमान मंदिर जाएगी, रामलला के वहाँ पर प्राण जलाभिषेक करके वहाँ से वापस लौटेगी, और फिर रामायण पाठ का कार्यक्रम है। तो आज हमने इस धरना स्थल के माध्यम से श्री पौर श्री रामायण पाठ के कार्यक्रम ही रखे हैं, और ये सरकार भी भगवान राम के नाम पर ही आई है, तो हम चाहते हैं कि भगवान राम के नाम पर ये सरकार हमारा काम करे, और हमें पूरी उम्मीद है कि सरकार हमारा काम जरूर करेगी और भगवान राम उनको सद्बुद्धि देंगे और भगवान उनके साथ है।
आज के बस हमारे यही कार्यक्रम है। आज हमने श्री राम जन्मोत्सव प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को देखते हुए हमने यहाँ भी कुछ प्रोग्राम रखा गया है, जिसमें हम 51 महिलाएं जिनको कलश के द्वारा यात्रा निकाली जाएगी और श्री राम की तस्वीर के सामने बैठकर सभी प्रार्थना करेंगे। और हम इसी के माध्यम से राजस्थान सरकार श्री भजन लाल जी व चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर जी से निवेदन करते हैं कि हम आपकी सरकार के आदमी हैं, इसी को देखते हुए आपको हमारी भर्ती नर्सिंग ऑफिसर भर्ती 2023 ANM फार्मासिस्ट लैब टेक्नीशियन व सभी पैरामेडिकल भर्तियों को जल्द से जल्द पूरा करके नियुक्ति दें। हम किसी सरकार के नुमाइंदे नहीं हैं, हम जनता के नुमाइंदे हैं। जिस जनता की हमने सेवा की है, 8 कैडर की भर्तियां हैं, यहाँ पर 20,000 के व्यक्ति हैं, हमने जनता की सेवा की है, हमने कोविड में काम किया है। अगर हमारी भर्ती के ऊपर राजनीति होती है कि कांग्रेस में हुई हम पूरा करें बीजेपी पूरा करे, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमने जनता की सेवा की है, आपको भी जनता ने बनाया है। हमारी भर्ती के ऊपर कोई राजनीति नहीं हो, हमें जल्दी से नियुक्ति मिले। हम पिछले 8 से 10 सालों से संविदा के ऊपर कार्य कर रहे हैं और इसके दौरान हमने इतनी पीड़ा देखी है। 6,000 के मात्र वेतन पर हमने कार्य किया है, अब जाकर के हमारे संविदा के दंश को ख़त्म किया जा रहा है, हमें परमानेंट किया जा रहा है। तो हमें जल्द से जल्द नियुक्ति दे, जिससे हमारे इस 8 कैडर के 20,000 के व्यक्तियों का फायदा हो, हमारे परिवार भरण पोषण पूर्ण कर सके। और हम यही चाहते हैं सरकार से कि हमारी भर्ती के ऊपर कोई तरीके की राजनीति नहीं हो। हमने जनता की सेवा की है, कोविड के अंदर सेवा की है। जिस टाइम कोई व्यक्ति किसी के पास जाना नहीं चाहता था, हमने इस आम जनता की सेवा की है और इस तरीके से की है कि हमने अपने परिवार को त्यागा है और मात्र 6,952 रुपये में आज हम इस संविदा के दंश को ख़त्म करके परमानेंट की वैकेंसी में हमारा सिलेक्शन हुआ है। तो हम चाहते हैं कि इस वैकेंसी को कोई ऐसी तरीके से राजनीतिक तुल न पकड़ाया जाए कि कांग्रेस ने किया है और बीजेपी कैसा पूरा करे। हम जनता के सेवक हैं, न कि किसी सरकार के। और इसी तरीके से हम भजनलाल जी शर्मा जैसे और चिकित्सा मंत्री से ये दरख्वास्त करते हैं कि हमारी भर्ती को पूरा किया जाए, इसे किसी राजनीति के रूप न ले और इस भर्ती को नियुक्ति दे हमें और आचार संहिता से पहले नियुक्ति दे। धन्यवाद।